कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल पर फिर भी तरह वेलकम करती हूँ। आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो है आलू गोश्त का शोरबा। बहुत मज़े का बनता है। इसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ। ये मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम मीट है और ये उसके मसाले हैं। 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमारे पास नमक है, हल्दी पाउडर छोटा चम्मच है हमारे पास, टी स्पून समझे हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 के आसपास गरम मसाला है पिसा हुआ घर का, और 1 टी स्पून हमारे पास सफ़ेद जीरे का पाउडर है। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट है, 2 टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल है। ये 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं जिनको मैंने चॉपर में बड़े अच्छे से चॉप कर लिया है। वो आलू मैंने 2 छोटे साइज़ के हैं, आप अगर बड़ा है तो एक ले लीजिए, उसको टुकड़ों में काटा हुआ, इतने ही बड़े टुकड़े कटने हैं उसके लिए। 2 हरी मिर्चें जो आलू के साथ हम बाद में आखिर में डालेंगे, और ये हरा धनिया है गार्निश के लिए। पानी है जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना डाल के फिर बता देंगे आपको, ठीक है। शुरू करते हैं। फिर कुकर गर्म कर लिया हमने, इसमें ऑयल डाल देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम मीट डाल करके आधा एक मिनट के लिए भून लेंगे, इसे डाल देंगे। ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि इसका जितना भी थोड़ी बहुत महक होती है वो निकल जाती है। मैं यहाँ मटन ले रही हूँ, चिकन से ही बना सकते हैं। जो आलू गोश्त का शोरबा इसी में ज़्यादा अच्छा बनता है। किसी को प्रॉब्लम है रेड मिर्च से तो वो चिकन ले ले, मैं मटन से बना रही हूँ। इसको बस 1-2 मिनट मुझे तेल में ऐसे ही पकाना है ताकि इसकी जो महक वगैरह होती है सब निकल जाती है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसमें देखिए इसका रंगत बदलने लगी है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना तेल में, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल करके पका लेंगे। सब मसालों को हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे ताकि फिर ये इसको बार बार भूनने की हमें ज़रूरत नहीं पड़े। सबसे पहले हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। ये जब पूरा तैयार हो जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला हम तब भी डाल देंगे इसमें, ना डालना चाहिए कोई बात नहीं, कि ज़रा जायका उसमें अच्छा हो जाता है। प्याज की पेस्ट, टमाटर जो चॉप किए थे मैंने बहुत बारीक किए हुए हैं, चॉपर में कर लीजिए। इसको हमें पूरा भून लेना है जब तक कि इसका थोड़ा सा तेल और अलग हो जाए, और मसालों का जितना कच्चापन है ये भूनते भूनते ही ख़त्म हो जाएगा। 2-3 मिनट ही हमें भूनने में लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हल्का सा पानी डालेंगे बस इतना ही। ये देखिए 2-3 मिनट मुझे इसको भूनते हुए हो गए, मसाला पूरी तरह से बोटियों में लग गया है, और ये जो है इसमें ऑयल सेपरेट हो गया मसाले से और भुन गया है, तो कच्चापन बिल्कुल नहीं रहा। बस यहाँ पर हम इसमें पानी डाल के और लिड लगा देंगे। एक बात और, इसमें हड्डी वाला गोश्त ना लें, क्योंकि वो शोरबे में अगर हड्डी गल जाती है गोश्त के साथ तो अच्छी नहीं लगती, मुंह में आती है, नुकसान भी देती है। तो बस ऐसे ही हमें इसमें अब जो है पानी डाल करके लिड लगा देंगे इसका, और जब तक ये गलेगा तकरीबन 4-5 विसिल में ये हो जाएगा। शोरबा है तो थोड़ा पतला रहेगा ये, इसी पानी में हमें बाद में आलू भी गलाने हैं। मटन है जल्दी पक जाता है। बस देखिए इसको 5 से 10 मिनट हो गए हैं, तकरीबन 5-6 विसिल लग चुके हैं। अब मैं पूरा ऑयल भी इसमें सेपरेट हो गया है और मीट भी गल चुका है। अब इसमें हम ये आलू और हरी मिर्च डाल देंगे।
आलू हरी मिर्च हमने डाल दी है इसमें, और ये गरम मसाला ऊपर से थोड़ा सा और डाल के, थोड़ा सा पानी डालेंगे और आलू 2-3 सीटी में गल जाते हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। बस इसको एक बार और लिड लगा करके आलू गलने तक इसको पका लेंगे हम। 2-3 विसिल लगानी है बस, ज़्यादा नहीं, आलू को घोलना नहीं है, बस गलने तक पकाना है। इतने में 2-3 विसिल में हो जाता है ये। मेरी 3-4 विसिल हो गई हैं इसको रखते हुए। मैंने इसको ऑटोमेटिकली इसका सब जितने भी इसमें स्टीम है अपने आप से इसका विसिल हटा के नहीं खोलना है, क्योंकि ऊपर जितने तार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जो रोगन आता है। तो इसको मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था ऐसे ही बंद हुए। अब देखिए इसमें ये जो तार ऊपर आते हैं ये रोगन होता है, फिर ये खोलने से सब निकल जाता है, ये इसकी डिश की खूबसूरती होती है। इसीलिए मैंने इसको बंद करके फ्लेम को 5-7 मिनट छोड़ा, ताकि जितना इसके ऊपर तार कहते हैं, रोगन कहते हैं, ये आ जाए, तब इसको हमने खोला है। अगर खोले तो सब ये ख़त्म हो जाता है। मैं आपको निकाल करके दिखाऊं। जब भी बनाएं शोरबा इसमें इस बात का ध्यान रखें कि ये अपने आप से ही इसका जो है स्टीम रिलीज हो, ये नहीं हो कि इसको वेट हटा दिया या उससे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल गल गया है गोश्त, बहुत अच्छा बना है ये। शोरबा होता है तो इतना ही पतला होता है, हमारे वेस्ट यूपी में ये बहुत बनता है। शिमला मिर्च पाउडर इसी डालते हैं इसमें कि इसके अंदर रंग खूबसूरत आ जाता है, और हल्दी का कॉम्बिनेशन इसलिए होता है कि आलू सफ़ेद सफ़ेद अच्छे नहीं लगते। अगर हल्दी नहीं डालेंगे तो ये आलू सफ़ेद सफ़ेद रह जाएंगे। गोश्त गल के बिल्कुल खुदी से अलग होने लगी हैं उसकी बोटियाँ। हरे धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल बन करके तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि ये डिश आपको कैसी लगी। कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते चलते आपको बता दूं कि मेरा फूड ब्लॉग भी है shahidair.com के नाम से, वहाँ पर भी जाइए, अच्छी अच्छी डिशेज हैं, उनको भी ट्राई करें, सब्सक्राइब करें मेरे ब्लॉग को भी, इसका लिंक दिया हुआ है नीचे, तो वहाँ पर देख लीजिए आप। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।